ट्रेनिंग की बात है, यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो इन्होंने इनको पढ़ाते भी कुछ समय हो चुका है और ट्रेनिंग भी इन्होंने बहुत अच्छे से कम्प्लीट की थी, उसमें इनके ग्रेड भी आ गए। एक ग्रेड उनकी आते हैं जो वास्तव में मेहनती होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी ग्रेड भी आ जाती है। तो इनकी ग्रेड ट्रेनिंग में ये थी और उन्होंने दो ट्रेनिंग खत्म कर ली और अब इनकी चूंकि जॉब लग गई है तो उनको बुलाएंगे दिन भर आ जाओ आप लोग जुड़ा ताली बजाएं, क्योंकि अपन ने इनको नगर अध्यक्ष का पदभार भी दिया था, अपन उनको ये पदभार देते हैं जो वास्तव में मेहनती बच्चे होते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, सही से काम करते हैं, उनको अपन पद देते हैं, पर इनको नगर में अध्यक्ष का पद मिला, इसलिए मिला था क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, बाकी चरण से अपन देखते चलते। तो अभी आप देखने वाले हैं कि इनको पद भी मिला है और साथ ही में इनके अभी जॉब में भी इनका सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले तो मेरे को सम्मान करवाएंगे तो आते जाओ करके उनसे स्वागत आप आ जाओ, आप सम्मान करो, इसके अलावा सभी अध्यक्ष बाहर के अध्यक्ष हैं वो आ जाओ, आते जाओ सभी अपन ने समिति से जिन जिन को आते जाओ और आप जल्दी से आ जाओ और आप सभी लोग कहाँ पर हुआ है और किस पॉइंट पर हुआ है, कैसा क्या वो सब अपने तुम्हारा यहाँ पर आप बताने वाली हैं। सर मेरा सिलेक्शन तहसील नगेरा में हुआ है, जहाँ पर मुझे तहसीलदार के पास में बैठ के उनका जो भी कमरा था डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो काम करना होता है, जैसे कि वहाँ पर सूखी की लिस्ट वगैरह निकालना या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना या फोटो कॉपी करना या कोई भी जो भी काम थे लिस्ट वगैरह तैयार करने का वो सब काम करना होता है। तो आप जैसे कि स्कैन करना या फिर मेल वगैरह भेजना या फिर मेल से कोई चीज डाउनलोड करना और लिस्ट वगैरह तैयार करना, ये सब काम मुझे पहले से आता था तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ईमानदारी से चीज़ें करते रहें क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ये बहुत पहले ही सबको सीखते होते हैं कैसे कैसे घर को करना है, हमें पूरा भरोसा है कि ये जब वहाँ पर काम करेंगे जो और भी लोग वर्क कर रहे हैं ये और अच्छे से काम जल्दी समझ जाए करें, क्योंकि कैचिंग पावर बढ़ जाती है ट्रेनिंग के बाद और इनकी समझने की क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी है, डबल ट्रेनिंग करी ऊपर से सर ये एक दो साल के बीच में पढ़ा भी चुके हैं टीचिंग का भी, कंप्यूटर टीचिंग प्लस मैथ टीचिंग, इनका जो मतलब कोई चीज़ पढ़ते हैं फिर लोग पढ़ा भी देते हैं, इससे क्या होता है अपना जो माइंड है उसका विकास हो जाता है तो अपन को चीजें जल्दी समझ आने स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये वहाँ पर जब वर्क करेंगे तो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और अच्छा काम कर लेंगे और सब लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं जल्दी और बहुत सारी कोचिंग भी करी है और वो स्कूल में भी पढ़ाई की, लेकिन मुझे वो सब वहाँ पर निकला जो मुझे यहाँ पर मिला, पढ़ने से कुछ नहीं होता लेकिन जब मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के दौरान मुझे जो भी यहाँ पर सीखने को मिला वो आज मुझे बहुत मायने रखता है, क्यों उनका की देरी और मुझे उसमें जॉब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं नहीं है, बस वो जो बताती है वो मैं करती है। ये सब मुझे ICIC कंप्यूटर सेंटर के द्वारा मिला है जहाँ पे मैंने ये सब चीज़ सीखी है जो वहाँ प्रैक्टिकली कर रही हूँ, अगर मैं ये सब यहाँ पर नहीं करती तो कल मैं जो मैं वहाँ गई थी जॉब करने तो नहीं कर पाती वहाँ पे। और इसमें मेहनत बच्चों की भी होती है क्योंकि जब बच्चे इस चीज़ को समझते हैं मेहनत से समझते हैं तो वो जल्दी से परफेक्ट हो जाते हैं और चीज़ों हर बात को जल्दी से कैच कर लेते हैं और अपने काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो बच्चे इतनी मेहनत करते रहेंगे वो अच्छे से काम को सीखते जाते हैं, और जो कुछ बच्चे मेहनत नहीं करते नहीं सीख पाते आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहें और जैसे ऐसे मैडम मेहनत करके कर रही है वहाँ पर और अभी अच्छे से जॉब में मेहनत करेंगी और वहाँ भी तरक्की मिलेगी, मेहनत करने से मिल जाता है, देर से मिलता है पर अच्छा मिलता है और इस भाई को मिल जाता है, ये सब रहता है।
तो आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग भी ऐसे ही कहीं ना कहीं सफल होते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं पूजा साहू वार्ड क्रमांक 59 की अध्यक्ष हूँ। परिवहन कल्याण समिति की ओर से मुझे ये पद दिया गया है और आप सभी को मेरी ओर से नगर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी समिति परिवहन कल्याण समिति की ओर से भी परिवहन कल्याण समिति की सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शाली श्रीवास्तव है, मुझे परिवहन कल्याण समिति की ओर से विदिशा का नगर उपाध्यक्ष बनाया गया है। मेरी तरफ से और मेरी परिजन कल्याण समिति की तरफ से आप सभी को नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुवर्णा नकली है और मैं विदिशा जिले की कोषाध्यक्ष हूँ परिजन कल्याण समिति की ओर से, और हमारी ओर से आप सभी के लिए नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष। मैं अर्चना जाधव नगर अध्यक्ष परिजन कल्याण समिति, आप सभी को नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। वार्ड नंबर 20 से अध्यक्ष का पद दिया गया है। मेरी और परिजन कल्याण समिति के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को नववर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रानी शर्मा परिजन कल्याण समिति की ओर से वार्ड क्रमांक 39 के सचिव हूँ। आप सभी को मेरी और परिजन कल्याण समिति की ओर से नववर्ष एवं नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम मणिमल रानी है और मुझे परिजन कल्याण समिति की तरफ से वार्ड क्रमांक 38 का अध्यक्ष बनाया गया है। मेरी तरफ से और परिजन कल्याण समिति के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा पुष्पा है, मुझे परिजन कल्याण समिति की ओर से उपाध्यक्ष का पद दिया गया है वार्ड नंबर 35 से। आप सभी को मेरी तरफ से और परिजन कल्याण समिति की तरफ से नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वार्ड नंबर 35 से सचिव का पद मिला हुआ है। परिजन कल्याण समिति की ओर से नववर्ष एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुराधा बिहार अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 35 परिजन कल्याण समिति की ओर से भी पद दिया गया मुझे। आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और परिजन कल्याण समिति की सभी सदस्यों की ओर से। मैं यशवनी कुमार राय वार्ड क्रमांक 38 का अध्यक्ष परिजन कल्याण समिति की ओर से आप सभी को नववर्ष एवं नवरात्रि नवरात्रि हार्दिक हार्दिक।